डिस्पोजेबल सिरिंज देना। हाँ, जब भी कोई डिस्पोजेबल सिरिंज मांगे तो डिस्पो वैन ही देना, क्योंकि ये है सुरक्षा का वादा। दिल्ली हिंसा को लेकर जहां विपक्ष जमकर संसद में हंगामा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा बुधवार को दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे करने को लेकर भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी ने कहा कि राहुल गांधी डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं। वहीं जगदम्बिका पाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है। राहुल गांधी ये बताएं, भारत की आत्मा पर प्रहार हुआ है, वो ये कहते हैं क्या हिंदुओं को भारत में सिटीजनशिप देना, नागरिकता देना, क्रिश्चियंस को, जैन को, बौद्ध को, ईसाई को, ये क्या आत्मा पर प्रहार है? तो इसीलिए डिवाइड एंड रूल की राजनीति वो कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं ये कहकर। अरे पाकिस्तान मुस्लिम के नाम से बन गया, अब उनको हिंदुस्तान में किस बात की नागरिकता मिलेगी भाई? रूल के अनुसार वो आके मांगना चाहें कोई वन टू वन तो उनको दी जाएगी रूल रेगुलेशन, लेकिन घुसपैठिए पाकिस्तानी भारत में आ जाए बांग्लादेशी और उनको शरणार्थी मानकर उनको सदस्यता दी जाए, तो हु इज प्लेइंग द गेम ऑफ डिवाइडिंग पॉलिटिक्स? राहुल गांधी प्लेइंग। शांत नहीं होने देना चाहते, फिर से एक चिंगारी लगाना चाहते हैं, फिर से बांटने की बात कर रहे हैं। आखिर उन्हीं के बयान से या उनके कांग्रेस के नेताओं के जो शाहीन बाग में खड़े हुए और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जिस तरह के भ्रम पैदा किया कि नागरिकता अल्पसंख्यकों की चली जाएगी और जिस तरह की आर पार की लड़ाई कहा, तो इससे क्या साफ है कि उनके कांग्रेस के नेताओं के सोनिया गांधी के राहुल के बयानों के बाद अगर हिंसा हुई या देश के अन्य राज्यों में हुई, आज स्थिति सामान्य बना रही है सरकार और उस जगह पर जा कर के जिस तरह का बयान फिर बांटने की बात, जिस तरह से फिर तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, जिस तरह से फिर एक मस्जिद में जाकर के मतलब लोगों को ये चिंगारी भगाने।